कपड़ों को दे नई चमक और रंगों की करे हिफाजत। खुशबूदार सूफी सुपर डिटर्जेंट। अब से शबाज शरीफ का नाम ड्रामा शरीफ रख दिया। तंबू के नीचे जलसा हो रहा है और कह रहे एक मील लंबा जलसा है। जब तक जान है नवाज शरीफ का मुकाबला करूंगा और हरा कर रहूंगा, इमरान खान की ललकार। कहा नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ा होना सियासत नहीं इबादत है। जीआईटी का जो भी फैसला आए हमारा मौकिफ नहीं बदलेगा। वजीर आजम ने इदारों पर कब्जा कर लिया। सरगोधा में खिताब, लोड शेडिंग खत्म न होने पर शहबाज शरीफ को ड्रामा शरीफ का नाम दे दिया। नवाज शरीफ जब सच बोला तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। शेख रशीद कहते हैं नंदीपुर और कायदे आजम सोलर प्लान का सौदा कर दिया गया। न्यूज लीक्स में बड़े मुजरिमों को बचाया गया। शाह महमूद कुरैशी का न्यूज लीक्स रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश करने का मुतालबा। बोले सारी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं, तहरीक इंसाफ फिर भी हार नहीं मानेगी। तहरीक इंसाफ का सरगोधा में सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा। गर्मी के बावजूद जलसे में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार। कतरी शहजादों का रूप धारे नौजवान भी जलसे में शरीक हुए। कप्तान और खिलाड़ी अगला मैदान इतवार को एबटाबाद में लगाएंगे। आर्मी चीफ की अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात कौमी अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। अमन इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान में फिर वार। अब्दुल गफूर हैदरी खुदकुश हमले में बाल बाल बचे। 25 अफराद शहीद। पस्तोंग में हमले में डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट समेत 30 अफराद जख्मी भी हुए। हैदरी दस्तारबंदी तकरीब में शिरकत के बाद जा रहे थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने मोटरसाइकिल गाड़ी से टकराई। आसिफ जरदारी की फजल रहमान के घर आमद। अब्दुल गफूर हैदरी पर हमले की मुजम्मत की। जेजू आई की हमले के खिलाफ आज बलोचिस्तान भर में शट डाउन हड़ताल के कॉल। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज भी कई शहरों में एहतजाज हुआ। कराची के एक घर में छुरियों के वार से माँ और तीन बच्चे जान बाहर। बाप मुबैना तौर पर जख्मी। वाकया औरंगी मंसूर नगर में पेश आया। डीआईजी वेस्ट के मुताबिक वारदात घरेलू झगड़े का नतीजा लगती है। मनान ने बीवी बच्चों को हलाक किया। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। दीवाने बाला का इजलास। एतजाज ऐसे ने हुकूमत की खूब ली क्लास। कहा हुकूमत ने न्यूज लीक में उन तीन लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया जो उस इजलास में शरीक ही नहीं थे। मामला निपटाते वक्त पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर दिया। कतरी खत को जजों ने मुस्तरद किया। वजीर आजम मुस्ताफी हो जाए। सानेहा 12 मई का मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाए। सियासी रहनुमाओं का मुतालबा। शाही सैयद का कहना है कि सानेहा कैमरे की आंख से पूरी कौम को दिखाया। मिसाक खोड़ो बोले सानेहे के जिम्मेदार आज कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। मोहम्मद हुसैन मेहनती, आस पलेजो और अस नरानी ने कहा कि सानेहे के जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। पाक सरजमीन पार्टी की 14 मई के मिलियन मार्च के लिए भरपूर तैयारियां। मुस्तफा कमाल और अनीस कैम खानी का यूपी मोड़ कैंप का दौरा। पीएसपी के रहनुमाओं ने तालिब जौहरी से मुलाकात भी की। मारूफ आलम दीन ने इमाम जामिन बांधा और दुआ दी। कराची में बिजली बहरान संगीन तर होने लगा। 7 दिन बाद बिन कासिम प्लांट बहाल करने के दावे तो हुए, तहम बिजली फराहमी बेहतर न हुई। सनती और शहरी इलाकों में गैर ऐलानिया लोड शेडिंग से लोग बेहाल। के इलेक्ट्रिक की ढिटाई भी बरकरार। तर्जुमान का कहना है कहीं इजाफी या गैर ऐलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। सिंध हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान डेड लॉक बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन। अंदरून मुल्क माल की तरसील बदस्तूर मौतल। गुड ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वुज़रा मसले का कोई हल नहीं निकाल सकते।
नया वर्ल्ड ऑर्डर अब चीन तय करेगा। बीजिंग में सी पैक का बेल्ट एंड रोड फोरम इतवार को होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ 6 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। चारों वज़रा आला और अहम वफाकी वज़रा भी हमराह। फोरम में 27 मुल्कों के सरबराह शरीक होंगे, भारत शामिल नहीं। सीरीज के फैसला कुन टेस्ट का तीसरा और अहम दिन, पाकिस्तान के 376 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज की सुस्त बैटिंग। कौमी टीम को हरीफों की इनिंग्स जल्द लपेटने के लिए यासिर शाह से उम्मीदें। यासिर ने 3, अजहर ने 1 खिलाड़ी ठिकाने लगाया। मेजबान टीम के चाय के वक्फे पर 4 विकेटों के नुकसान पर 152 रन। और बरतानवी अस्पतालों पर साइबर हमले, कंप्यूटर्स अचानक बंद हो गए। इमरजेंसी वाले मरीजों की दीगर अस्पतालों में मुंतकली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हैकर्स तावान मांग रहे हैं। बरतानवी महकमा साइबर सिक्योरिटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया।